बोलिए, जो मेडिसिन खाए है उसमें क्या चेंजेस देख रहे हैं बताइए। अच्छा, चेंजेस तो काफी है पहले से। मतलब एक और बात बताना था, गर्मी में है ना पैर से पसीना काफी आता है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन फिर भी पसीना आता है, तो हाँ पैर भींग जाता है। और पहले क्या था कि पैर से खट्टा, मतलब पसीना से ना खट्टा खट्टा स्मेल आता था पैर के पसीना। अच्छा। हाँ, तो उसमें गर्मी में, तो ये बात हम पिछले बार को नहीं बताया था, उस समय उतना ज्यादा गर्मी था नहीं तो उतना मतलब नहीं पता चल पा रहा था, तो इस बार फिर वापस गर्मी जैसे आया तो याद आया, तो इस बार वो खट्टा पसीना वाला जो था उसमें इम्प्रूवमेंट शायद अभी तक नहीं हुआ है। पसीना तो आ रहा है, और हाँ रूसी में भी थोड़ा सा जो है सो मतलब डैंड्रफ में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, और जो मेन रीजन जिसके लिए हम लिए थे तो उस समय से जो है हमको मतलब स्टार्टिंग में जब पहला वाला 0/1 मतलब एक नंबर जो लिखा हुआ था उसमें वो वाला जब खा रहे थे तो उस बीच में हमको मतलब उस 15 दिन के अंदर में 2 बार नाइट फॉल हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है इस तरह का इशू नहीं हुआ है। हाँ उसके बाद ये सब नहीं हुआ मतलब ओवरऑल आपको इम्प्रूवमेंट आपको ठीक ठाक है। जी हाँ ठीक ठाक है, बस 2-3 मतलब पेनी जो है वो हल्का कर्व मतलब हल्का नहीं थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें कर्व में मतलब कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, हो और जाएगा। बाकी जो एस्पेक्ट है, जो भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या आपको डैंड्रफ की समस्या, जी आपको जी जी नाइटफॉल की डैंड्रफ वाला समस्या, ओवरऑल जी, आपको इसमें आपको इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है। हाँ जी इसमें लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जो इस पेशेंट का आवाज सुना, इस पेशेंट को बेसिकली लिंग में तनाव की समस्या थी, शीघ्र पतन की समस्या थी, नाइटफॉल की समस्या थी, डैंड्रफ की समस्या थी, हेयर फॉल की समस्या थी, और इनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, इनका पेट सही से साफ नहीं होता था। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए ये पेशेंट आज से 2 महीना पहले मुझसे कंसल्ट किए थे। मैं इस पेशेंट का पूरा केस टेकिंग करके सल्फर प्रिस्क्राइब किया था 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 पहले 2 महीने के लिए। इससे हुआ ये कि इस पेशेंट का अंदर काफ़ी हद तक इनको इम्प्रूवमेंट आ चुका है सल्फर से। लेकिन इस बार मैं पेशेंट को सल्फर कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, सल्फर मैं और नहीं दूंगा, मैं इस बार पेशेंट को साइलेशिया दूंगा, साइलेशिया 10 mg/50 mL दूंगा। इसलिए दूंगा क्योंकि पेशेंट का अंदर एक बड़ा पिकुलियर सिम्टम है, वो ये है कि इनका हाथ में और पैर में पसीना आता है और उस पसीने से दुर्गंध भी है, तो ये साइलेशिया का सबसे पिकुलियर की सिम्टम होता है। पेशेंट के लिए मेरा फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग साइलेशिया ही थी, लेकिन मैं पेशेंट को साइलेशिया प्रेस्क्राइब नहीं किया था पहले 2 महीने में। इसलिए नहीं किया था क्योंकि सोरा मैनिफेस्टेशन वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस पेशेंट इन दैट टाइम, और देर वॉज अ हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज, तो ये सब चीज सोच के मैं सल्फर पहले प्रिस्क्राइब किया था। सल्फर ने काम भी किया है, अब सल्फर से आगे और इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, तो इसीलिए अब इट्स अ हाई टाइम टू प्रिस्क्राइब साइलेशिया। तो मैं साइलेशिया प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ इस पेशेंट का अंदर, साइलेशिया से और इम्प्रूवमेंट इनका अंदर आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।